बिल्कुल, कल की वार्ता महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारे साथ मौजूद अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कल कांग्रेस और केंद्र और किसानों के बीच वार्तालाप है, आज आपने धरना दिया है, कल का अल्टीमेटम दिया हुआ, अगर कल वार्ता सफल नहीं हो पाती आगे भी धरना दिया जाएगा? देखो, तमाम पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जब तक ये तीन कानून जब तक वापस नहीं ले आते हैं तो तमाम पूरे हर गांव ढाणी तक किसान संघर्ष करेगी, किसान के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। क्योंकि देश का दुर्भाग्य है, आज 39 दिन हो गए किसान बोर्डों में बैठे हैं, फिर भी केंद्र की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज उनके वाजिब मांगे हैं कि इस तरह से कानून बना करके, आज किसान सबसे बड़ी बात है, किसी ने ये कानून मांगे नहीं है, इन्होंने अपने आप कानून बनाए हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमारी मंडी व्यवस्था खत्म मत करो, हमें MSP मिलनी चाहिए, मुनाफाखोरी जमाखोरी महंगाई बढ़ेगी, तो ये वाजिब चीज़ें हैं, उनको वापस लेने चाहिए। वो खुद ही कहते हैं कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, उसके बावजूद भी उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो मालिक सद्बुद्धि दे, आज कांग्रेस पार्टी उनके लिए धरना दे रही किसानों के लिए, यदि कल उनका कुछ निर्णय सही नहीं होता है तो हर गाँव ढूंढने तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी।